अरे हरिया मेरे दोस्त, तू किधर चला? मैं तो तेरे ही पास आ रहा था। अच्छा हुआ तू मुझे मिल गया। सब कुशल मंगल तो है? हाँ यार, सब कुशल भी है मंगल भी है, मगर एक ही दिक्कत है। वो क्या? क्या बताऊँ यार, तू तो जानता ही है कि मेरे एक ही बेटी है, जिसने अपने दिमाग में ये बैठा लिया है कि उसके काले रंग की वजह से उसका कोई भी रिश्ता नहीं आता, और किसी ने उसको यूं कह दिया है कि बगल वाले गांव में एक सरजू नामी व्यक्ति रहता है, जिससे एक अप्सरा रोज मिलने आती है। यदि उस अप्सरा की परछावा मेरी बेटी पे पड़ जाए तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी। बस यार, उसी सज्जन से मिलने जा रहा हूँ। अरे मेरे यार, मैं भी तेरी लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ। किससे? काली सिंह से। तो क्या काली सिंह राजी है? बिल्कुल राजी। काली सिंह ने शादी करने का मानस बना लिया है। तो अब सरजू से मिलने की क्या जरूरत है? चलो अब घर चलते हैं। नहीं नहीं, हम सरजू से भी मिलेंगे और तेरी लड़की को अप्सरा से भी मिलवाएंगे, ताकि बिटिया के मन में कोई किंतु परंतु न रहे। चल सरजू से मिलते हैं। नहीं नहीं, अब तू सरजू से मिलेगा और मैं तेरे लिए घर जाकर दाल भाटी चूरमा बनवाता हूँ। पक्का? पक्का। तो फिर लग जाओ अपने अपने काम पर। आया भैया। ए उड़न खटोले, क्या मेरी बात सुनोगे? जी श्रीमान की बात तो जरूर सुनेंगे। ये कैसे संभव हो सकता है, एक ही शक्ल के दो इंसान? बोलिए हुजूर, ये उड़न खटोला आपकी क्या खिदमत कर सकता है? क्या बात है? ए नौजवान, कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक तिनके भरी बात है जो आपसे पूछनी है। क्या इस गांव में कोई सरजू भी रहता है? सरजू? हाँ, एक सरजू रहता तो है। क्या बात है, क्या कोई अपराध है उसका? अरे भाई, वो क्यों अपराधी होगा, वो तो मोहब्बत का शहंशाह है। शहंशाह, सुना है उससे एक अप्सरा मिलने आती है जो घंटों उसके साथ रहती है। अप्सरा आती तो है, मगर ये सब बातें तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नौजवान, मेरा एक दोस्त है, उसके सिर्फ एक ही बेटी है जो रंग की काली है। वो उस अप्सरा से मिलना चाहती है जो सरजू से मिलने आती है, और ये काम सिर्फ सरजू ही करवा सकता है। ताकि आपके दोस्त की बेटी सरजू के खिलाफ अप्सरा को उल्टा सीधा सिखाकर सरजू का पत्ता साफ करवा दे? नहीं भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, खुले तौर पर बताओ ना। भाई बात ये है कि मेरे दोस्त की बेटी काली है और कुंवारी भी है, जबकि उसकी उम्र की लड़कियों की शादी होकर उन्हें बच्चे भी हो गए, मगर उसका अभी तक कोई रिश्ता नहीं आने से उसके मन में ये बात घर कर गई कि उसका काला रंग
उसकी शादी नहीं होने देगा। अब उसका मानना ये है कि अगर किसी तरह अप्सरा का परछावा उस पर पड़ जाए तो वो भी अप्सरा की अदाओं को कैच करके एक सुंदर और मनमोहक लड़की दिखाई दे सकती है और उसकी भी शादी हो सकती है। बहुत मार्मिक और जमीन हिला देने वाली बात कह दी आपने। आपके दोस्त की बेटी जरूर अप्सरा से मिलेगी। सरजू कहा करता है कि वो रोज अलल सुबह भोर भय अपनी बांसुरी बजाता है तो एक अप्सरा उसकी बांसुरी सुनने आया करती है। बस तुम कल सुबह भोर भय इसी जगह पर अपने दोस्त की बेटी को ले आना, सरजू को मैं सब कुछ समझा दूंगा। शायद तुम्हारे दोस्त की बेटी को भी कोई सरजू मिल जाए। ठीक है, कल आ जाना। माँ, मैं काका के घर उनसे मिलके आता हूँ। दिन भी ससुरा चढ़ता जात है मगर काका की कोई खबर नहीं। कछु गड़बड़ तो नहीं? कोई गड़बड़ नहीं, उको काका कहत है। वो तेरा काम पक्का ही करके आएगा और बस आता भी होगा। ठीक तो है माँ, काली भी और दो घड़ी इंतजार कर लेगा।